मुझे भूख क्यों लग रही है इतनी जोर की। आई होप आप लोग सब लोग सेफ हो। और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि निधि इनसाइड कॉस्मेटिक्स हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग सेफ हो और घर पर हो। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं अमेज़ॉन हॉल, और कोई ऐसी वैसी अमेज़ॉन हॉल नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे काफ़ी सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि निधि इनसाइड कॉस्मेटिक्स में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, प्लीज़ आप रिव्यू करो, प्लीज़ आप चेकआउट करो। सो ये वीडियो सिर्फ हॉल है, एंड मे बी नेक्स्ट वीडियो मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट करके भी बताऊँगी। एक दो प्रोडक्ट्स मैंने ऑलरेडी यूज़ करे हुए हैं, सो वो मैं अभी आपको रिव्यू भी दे दूँ। एंड मैंने शुगर के ब्रशेस भी ऑर्डर किए हुए हैं, तो जिन जिन लोगों को शुगर के ब्रशेस का रिव्यू देखना है वो बहुत जल्दी आ रहा है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस हॉल वीडियो के साथ में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, अगर आपको इस टाइप के बढ़िया बढ़िया वीडियोज और भी देखने हैं। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है nidhi.167। लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स की तरफ। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ देयर ब्लेंडर। मैंने अभी तक इसको खोला नहीं, लेट मी जस्ट ओपन इट। सो दिस इज़ द ब्लेंडर। अभी मैं इसको, काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, एक मिनट इसको वेट करके लेकर आती हूँ, फिर देखते हैं कितना सॉफ्ट है ये। वेट करने के बाद ये एक तो काफ़ी फूल के बड़ा हो गया, और काफ़ी सॉफ्ट और स्क्विशी है ये अभी भी। आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दिस बिकॉज़ ये काफ़ी सॉफ्ट है। सो ये एंड आई थिंक ये 125 या फिर 149, ज़्यादा महंगा नहीं था। सो या इट्स नाइस एंड स्क्विशी हो गाइज। नेक्स्ट मैंने लिया है इनसाइड का हाईलाइटर। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स ए क्रीम हाईलाइटर। जो शेड मैंने लिया है इट्स कॉल्ड कॉस्मिक पावर। इट इज़ नंबर 6। एक पिंकी शैम्पेनी कलर है ये, इफ़ यू कैन सी। आई होप कैमरा फोकस कर रहा होगा। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स इन द पैन, और लेट्स अप्लाई इट। ये बहुत अच्छे से और ईजिली ब्लेंड हो रहा है। वैसे तो मेरे फेस पर ऑलरेडी काफ़ी सारा हाईलाइटर ऑलरेडी था, बट ये हाईलाइटर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ब्लाइंडिंग टाइप का है। एंड इसमें एक हल्का सा गोल्ड रिफ्लेक्स भी है। आई मीन जस्ट लुक एट दैट। हाथ पे अप्लाई करके देखती हूँ, क्योंकि चेहरे पे तो पहले से ही था काफ़ी सारा हाईलाइटर, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड हाईलाइटर। इट्स नाइस यू गाइज, जस्ट लुक एट दैट। इस गाल पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, वरना फिर एक तरफ ज़्यादा हाईलाइटर लगेगा और एक तरफ कम। ये ना हाईलाइटर फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए चल जाएगा, अदरवाइज अगर आप डीपर स्किन टोन के हो तो ये थोड़ा सा वाइट वाइट सा लगेगा आपके फेस पे। तो इसमें आई थिंक और भी शेड्स है, तो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड चूज़ कर सकते हो। अब मैं डिस्को बॉल बिल्कुल पूरी तरीके से बन चुकी हूँ। ये हाईलाइटर बहुत अच्छा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट है इनसाइड का आई शेडो प्राइमर। कुछ इस तरीके का दिखता है। नाउ आई नो आई शेडो प्राइमर उतना कोई लोग यूज़ नहीं करते आजकल, बट मैंने इसके पहले ग्लैम नहीं कलर क्वीन का आई शेडो प्राइमर यूज़ किया था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। सो अगर आप चाहते हो कि आपका आई शेडो, लाइक आई शेडो प्राइमर का यूज़ ये होता है कि आपका आई शेडो को वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, सो इस तरीके की ये कांच के बॉटल में आता है। ये कांच का पॉट है, एंड ओके इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, एंड दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स इन द पॉट। लेट मी टेस्ट इट आउट। ओके थोड़ा सा लेके ट्राई करके देखते हैं। ओ ये काफ़ी अच्छा है, इसने सारी फाइन लाइन्स को यू नो रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पर मेरी स्किन पे कोई टेक्सचर नहीं बचा, एंड काफ़ी स्मूथ भी हो गया है। बट असली टेस्ट इसका आईज़ पर ही होगा, हाथ पर नहीं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है इनसाइड की मैट लिपस्टिक, नॉन ट्रांसफर मैट लिपस्टिक। यस, जैसे मैंने देखा ना कि इनसाइड की भी नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक आ गई, आई वाज लाइक ये मुझे चाहिए। जो मैंने शेड लिया है इट्स कॉल्ड चेकमेट, और जो बुलेट है वो भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर सी बुलेट है। कुछ इस तरीके की दिखती है ये बुलेट, एंड ये है कलर। लेट मी अप्लाई इट ऑन माई लिप्स एंड शो यू गाइज। सो मैंने अपनी पिछली वाली लिपस्टिक रिमूव कर ली है, नाउ लेट्स ट्राई आउट दिस वन। कलर बहुत सुंदर है वैसे, काफ़ी अच्छा न्यूड शेड है। कलर तो बहुत अच्छा है, बाकी अभी इसको हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जब तक ये सेट होती है तब तक हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये ट्रांसफ़र हो रही है कि नहीं। बट कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है। ओके जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इनसाइड से वो है इनसाइड का बनाना पाउडर। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है ये, 180 रुपये का था, विच इज़ ग्रेट। तो इस टाइप की पैकेजिंग में आता है,
वी ऑल नो दिस पैकेजिंग. इसमें मेकअप रेवोल्यूशन, ADS एंड आई थिंक बेन नाय सारे के सारे इसी पैकेजिंग में आते हैं एंड आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दिस एज वेल. सो अगर इनसाइड का वन ब्रांड चाहिए ना फिर से तो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स फटाफट से कि वेदर आई शुड डू अ वन ब्रांड और नॉट, बिकॉज मेरे को इनसाइड का कॉम्पैक्ट पाउडर है मेरे पास बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता. आई एम होपिंग कि ये ज़्यादा अच्छा होगा. लेट मी जस्ट चेक द टेक्स्चर ऑफ दिस. इसका टेक्स्चर काफ़ी अच्छा है एंड कवरेज भी है तो या आई हैव हाई होप्स नाउ. अभी देख लेते हैं हमारी लिपस्टिक नॉन ट्रांसफ़र हुई कि नहीं. हू इट इज़ गाइज, दिस कलर इज़ अमेजिंग. गो ग्रैब दिस, दिस इज़ लाइक रियली अमेजिंग एंड इट्स नॉन ट्रांसफ़र एंड मेरे लिप्स ड्राई फील नहीं कर रहे हैं. दो अभी काफ़ी जल्दी होगा कहना बट मेरे लिप्स अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं कर रहे हैं एंड द कलर इज़ अमेजिंग. जो शेड मैंने लिया था इट वॉज चेक मेट. सो या गो ट्राई इट आउट. जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास वो है इनसाइड का लिप ग्लॉस. येस आई नो ग्लॉसेज वापस से ट्रेंड में आ गए हैं एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन आउट. सो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है ये. मुझे एक्चुअली वेट एंड वाइल्ड की कैटसूट लिपस्टिक्स की याद दिलाता है एंड दिस इज़ ग्लॉस, दिस इज़ वॉल्यूम लिप ग्लॉस. लेट्स सी. ये ग्लॉस काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है. एक बार मैं हाथ पे स्वॉच करके दिखाती हूँ. ओह इट्स वेरी पिगमेंटेड यू गाइस, जस्ट लुक एट दैट. आई थिंक ये ग्लॉस अपने आप में काफ़ी रहेगा. आई लव दिस ग्लॉस एज वेल, काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी पिगमेंटेड है. वेरी गुड. ओके जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इट इज़ फ्रॉम मेबलिन एंड एक्चुअली मेबलिन से मुझे दो प्रोडक्ट बड़े नए नए से लग रहे थे. सो द फर्स्ट वन इज़ दिस वन. ये है मेबलिन का फॉल्सीज लैश लिफ्ट मस्कारा. दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड इसका जो वॉन्ड है ना वो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है मुझे. वेरी प्रॉमिसिंग एंड आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दिस. मैंने आई थिंक अनिंदिता को ये यूज़ करते हुए देखा है एंड शी लव्स दिस एंड आई एम एक्साइटेड टू यूज़ दिस एज वेल. एंड ये 549 का रिटेल करता है बट आई एम वेरी श्योर मैंने उतना पे नहीं किया था, कुछ तो भी डिस्काउंट था. सो आई पेड समवेयर अराउंड 400 इश फॉर दिस बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. नेक्स्ट आई डोंट नो मैं जो हूँ कहाँ जी रही थी अभी तक, मुझे ये इसके बारे में क्यों नहीं पता था या मे बी ये नया ही लॉन्च है. सो इट इज़ Define and Blend Eyebrow Pencil from Maybelline. This is how the outer box looks like. ये retail करता है for 349 rupees, which is not bad. And इस पर भी मुझे कुछ तो भी offer मिला था. I got my, मैंने जो buy किया है ये है natural brown shade. तो इसमें एक तरफ में आपको मिल जाती है spoolie जिससे आप अपने eyebrows को comb out कर सकते हो इस तरीके से. And इसमें दूसरी तरफ में आपको मिल जाता है आपका product जो कि कुछ इस तरीके का है. एंगल्ड पेंसिल है ये एंड इससे आप अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल इन कर सकते हो. आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज मेरे को नहीं पता था कि इस टाइप का ये प्रोडक्ट आता भी है. कलर भी काफ़ी सही सा लग रहा है. यहाँ पे थोड़ा सा मेरा रह गया था वो मैंने अभी इससे फिल करा तो इसका कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड लाइक मैं स्वॉच तो करके, मेरे को लग रहा है मैं हॉल वीडियोज़ करना भूल गई हूँ. सो एक बार मैं स्वॉच करके आपको दिखा देती हूँ. ये है इसका कलर. आई होप कैमरा पिक कर रहा होगा एंड आई फील कलर्ड काफ़ी ठीक है. इट्स डार्क ब्राउन एंड इट्स एक थोड़ी सी येल्लो येल्लो सी अंडरटोन है इस कलर में बट आईब्रोज पे ठीक लग रहा है. एंड या आई एम एक्साइटेड फॉर दिस एज वेल क्योंकि ये काफ़ी नया सा प्रोडक्ट है ना इसलिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस हॉल में है मेरे पास प्लम का ये फ्रेग्रेंस फ्री रोज़ वाटर टोनर विद हाइलुरोनिक एसिड. ये मैंने इसलिए लिया था बिकॉज सुपर मेकअप स्टाइल सोनाली जो है वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है बट आई हैव यूज इट ट्वाइस एंड मेरे को ये पसंद नहीं आया. नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है बट इसका जो पम्प है ना बड़ा ही घटिया है. मतलब फुस फुस ऐसे करके आपके फेस पे गिरेगा. मिस्ट की तरह नहीं है ये एंड आई डोंट थिंक ये मिस्ट बोल भी रहे हैं इसको. दिस इज़ लाइक अ टोनर बट आपको इसको अपने कॉटन पैड पे लेकर तभी यूज़ करना है. डायरेक्टली अगर आप फेस पे यूज़ करोगे ना तो या इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग. सो दैट वॉज द लास्ट प्रोडक्ट एंड ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है एंड यू नो बाकी मैं इसके बारे में और क्या ही बोलूँ. दो ही बार यूज़ किया है तो अभी ज़्यादा मैं इसके बारे में बता नहीं सकती हूँ बट सो फार आई एम लविंग द प्रोडक्ट. अगर मैं इसको कॉटन पैड पर यूज़ करूँ तो, मतलब कॉटन पैड यूज़ करके यूज़ करूँ तो. सो दैट वॉज द लास्ट प्रोडक्ट इन दिस हॉल. आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.